बीकेटी नगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी। रविंद्र कुमार रावत ठोकी दावेदारी। अपडेट, बीकेटी आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत बीकेटी से अरविंद कुमार रावत को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जो कि रविंद्र कुमार रावत पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और उनकी अच्छी छवि बनी हुई है, जिससे कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। और रविंद्र कुमार रावत अपनी पूरी मेहनत और लगन से क्षेत्र में जा जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। रविंद्र कुमार रावत जो कि एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने नगर पंचायत बीकेटी की सीट से दावेदारी ठोकी है, जो कि इनका चुनाव निशान कमल है। वहीं दूसरी तरफ सपा ने गणेश रावत को नगर पंचायत बीकेटी से अपना उम्मीदवार चुना है, जो कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीकेटी क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ चुकी है। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रविंद्र कुमार रावत के साथ गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। रविंद्र कुमार रावत ने गांव-गांव जाकर माताओं बहनों से आशीर्वाद मांगा। वहीं इस मौके पर रविंद्र कुमार रावत जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीकेटी नगर पंचायत से रविंद्र कुमार रावत ने ठोकी दावेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र कुमार रावत को दिया टिकट। रविंद्र कुमार रावत गांव-गांव जाकर कर रहे जनसंपर्क। सैकड़ों कार्यकर्ता साथ में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला भी रहे मौजूद।